आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना एंड जो भी मैं आपको बताऊं एज इट इज़ फॉलो करना, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट्स होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको रिबॉक्स का जो भी अपडेट्स है बताने वाला हूँ, कब लिस्टिंग होगा एंड कितना प्रॉफिट्स होगा एंड अभी किस तरीके से आप रिबॉक्स के एयरड्रॉप को ज्वाइन कर पाओगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कैटीजन का, क्योंकि कैटीजन को बायनांस लैब ने फंड किया है, सो अब हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। बाय द वे कैटीजन का एयरड्रॉप मैंने एरली में बताया था, आई होप कि आप में से सभी लोग कर रहे होंगे, बट जो नहीं कर रहे स्टिल कर सकते हो क्योंकि लिस्टिंग इनका अभी टाइम है। सो आप लोग किस तरीके से कैटीजन का मैक्सिमम एयरड्रॉप गेन कर पाओगे इस वीडियो में बता दूंगा, और आप लोगों को मैं वेब थ्री वैलेट में जो न्यू एयरड्रॉप्स आया है उनका अपडेट्स बता दूंगा, जैसे कि यहाँ पे बेबीलोन का अभी लाइव है, उसके बाद साइबर कनेक्ट है एंड और भी बहुत सारे हैं। मैं आप लोगों को फेवर का भी इसी वीडियो में अपडेट कर दूंगा, अगर आपने फेवर ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है तो कब तक लिस्टिंग होगा, कितना प्रॉफिट्स होगा, कितना प्राइस वगैरह होंगे, उसके बेस्ड अपन सारा का सारा इस वीडियो में मिलेगा। इसीलिए आप में से सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना, सबको डेफिनेटली वैल्यू मिलेगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो ना तो आप लोग चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे, एज वेल एज आप लोग इमीडिएटली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, एक्टिव रहना, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, रिमाइंडर्स होते हैं, यहीं पे आपको देखने को मिलता है, और आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे पिंड मैसेज पे देखने को मिलेगा ऑन गोइंग एयरड्रॉप्स के लिस्ट, जैसे कि देख पा रहे होंगे 50 प्लस एयरड्रॉप्स हैं, सभी के सभी को अगर आप ज्वाइन करते हो ना तो डेफिनेटली आप लोगों को $1,000 प्लस का ही एयरड्रॉप मिलेगा, क्योंकि सबके सब कन्फर्म्ड एयरड्रॉप है एंड आपको हर एक एयरड्रॉप से कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स होगा आपके वर्क के बेस्ड अपन। आपको यहाँ पे टेस्टनेट वगैरह सब मिलेंगे, सिंपल है, आपको जो भी एयरड्रॉप ज्वाइन करना है क्लिक करना, आपको उसके रिगार्डिंग जितने भी पोस्ट है सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले मैं आपको रिबॉक्स का ही बताता हूँ, देन कैटीजन का, देन आपको बाकी के एयरड्रॉप्स। सो रिबॉक्स डेफिनेटली अच्छा प्रोजेक्ट है एंड बायनांस में लिस्टिंग होगा कि नहीं होगा उसका हम अभी नहीं कह सकते, 50-50% आप कह सकते हो, 100% नहीं है कि बायनांस पे लिस्ट होगा, ओके। लेकिन इनका रिसेंटली अपडेट आया था, जैसे कि देख पा रहे होंगे एक दिन पहले का ही था, इन्होंने यहाँ पे TGE का डेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इनके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इनका जो TGE है Q3 या फिर Q4 में हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टे ट्यून्ड, बिग जो रिवील है वो होने वाला है। अगर ऐसा कुछ रिवील होता है तो मैं आपको क्विकली टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, बट लिस्टिंग में अभी यहाँ पे टाइम लग सकता है, 1 से 2 महीना आप पकड़ के चल सकते हो। बट इनका जो अभी ऑन गोइंग एयरड्रॉप है जिसमें कि आप RGT टोकन अर्न कर पाओगे, सो किस तरीके से ज्वाइन करना है, सिंपल सा है, लेंस पे आपको क्लिक कर देना है, यानी इनका जो लिंक है, बाय द वे मैं लिंक आपको अलग से दे दूंगा ताकि आप मेरे लिंक के थ्रू करोगे तो मुझे भी फायदा होगा एंड आपको भी फायदा होगा। सो इनके ही प्लेटफॉर्म में आपको एयरड्रॉप मिल जाएगा, बट हम इस एयरड्रॉप को बायनांस वेब थ्री वैलेट के थ्रू ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए आपको बायनांस वेब थ्री वैलेट पे आना है, उसके बाद आपको सिंपल सा आ जाना है यहाँ पे डिस्कवर वाले पे, और आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव एयरड्रॉप करके जो मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो भी ऑन गोइंग एक्सक्लूसिव एयरड्रॉप्स है, जैसे कि ऑन गोइंग में देख पा रहे होंगे बेबीलोन का, साइबर कनेक्ट एंड बाकी के यहाँ पे देख सकते हो जो भी इवेंट्स वगैरह है, और जो इंड हो चुका है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे किलो एक्स का इंड हुआ, स्टेडी NFT इन स्टेडी रिवॉक्स का, फेवर का, तो हम यहाँ पे रिवॉक्स का एयरड्रॉप पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी बायनांस वेब थ्री वैलेट में रिवॉक्स का एयरड्रॉप ज्वाइन कर रखा था तो आपका जो भी एक्टिविटी है इधर शो हो जाएगा, सिंपल सा। सो अभी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कितना अमाउंट का हमें टोकन मिलेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली पॉइंट ही आपको दिखेंगे ना कि टोकन्स, ओके। तो मैं यहाँ पे एक बार वैलेट कनेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना वेब थ्री वैलेट में प्रॉब्लम होता है, तो आप अपना जो वैलेट है अपडेट कर लेना, आफ्टर डेट यहाँ पे सही से काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, देखो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, आप अगर वैलेट कनेक्ट करने जाओगे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा वापस, ओके। तो एक बार और मैं ट्राई करके देखता हूँ इसको रिफ़्रेश करके, ओके, ताकि यहाँ पे प्रॉपरली हमारा हो जाए, ठीक है। इस तरीके से रिफ़्रेश कर दिया, ओके, देख सकते हो कनेक्ट पे यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, ओके। तो देखो यार यहाँ पे प्रॉब्लम आता है वेब थ्री वैलेट में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो आपका यहाँ पे वैलेट कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, वेट, ओके। स्टिल यहाँ पे यार नहीं हो रहा है कनेक्ट आईडी के वाई, ठीक है, अब हो जाएगा मे बी, हाँ देख सकते हो अब हमारा यहाँ पे वैलेट कनेक्ट करके यहाँ पे साइन इन करके आ चुका है, ठीक है, देख सकते हो आ चुका है। तो यहाँ पे अभी वेट, यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे प्राइस पूल में जो पॉइंट्स थे वो हमें यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं, जो कि हमारा टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप और भी पॉइंट्स अर्न करना चाहते हो तो उसके लिए नीचे लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको भी फ़ायदा हो जाएगा एंड मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो मैं गिव अवे कर दूंगा या फिर अदर एक्टिविटी के लिए यूज़ कर लूँगा, ओके। ज़्यादा प्रॉफिट्स वैसे भी नहीं होने वाला और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है आपको, यहाँ पे $20 से $50 का एयरड्रॉप मिलेगा मैक्स टू मैक्स, ओके। अगर आप नेक्स्ट लेवल वर्क करोगे
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स अर्न करो करो तो मे बी यहाँ पे $100 प्लस, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना। ये छोटा मोटा एयरड्रॉप्स होता है, ठीक है, इनको इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि कुछ फंड्स आ जाए जिसको यूज़ कर पाओ अदर एयरड्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पे एयरड्रॉप अर्न करने के लिए सबसे पहले रिफ़र आप कर सकते हो, या फिर डेली चेक इन करके पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, या फिर बाकी के जो अचीवमेंट वाले टास्क होंगे जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मिलेगा जिसको आप अर्न कर सकते हो। बाकी प्रोफाइल पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपका जो डेली के जो टास्क वगैरह होते हैं उसके बेस्ड अपन क्रेडिट्स वगैरह मिलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आप एयरड्रॉप फार्म कर सकते हो क्योंकि अभी टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे $10, $20, $50 या फिर उससे ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कंफर्म्ड रिवार्ड पूल नहीं है कि हाँ आपको $20, $50 मिलेगा, रैंडमली कुछ भी अमाउंट मिल सकता है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ यूज़र्स और नंबर ऑफ एयरड्रॉप के बेसिस पे, ओके। तो अब ये था आपका रिवॉक्स के बारे में, तो रिवॉक्स का एयरड्रॉप आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ अब, ओके, बैक आते हैं हम। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अदर जो एयरड्रॉप अभी लाइव है, जैसे कि बेबीलोन का प्री स्टेक। देखो बेबीलोन अल्फा प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी मैंने पिछले टाइम वीडियो बना के रखा है, हाँ फंड के थ्रू अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, जो कि मैं कल तक बना दूंगा, थोड़ा सा बिजी था तो आज वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा लंबा होगा और डिटेल में होगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ टास्क है। स्टेकिंग तो करना है बट हाँ थोड़ा सा टफ है, लाइक लोगों को पता नहीं होता कैसे स्वैप करना होता है, किस तरीके से फंड्स को यूज़ करना होता है, तो उस वजह से मैं वीडियो थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, ओके। बनाने का तो मैं 5 मिनट में बना सकता हूँ बट समझ में नहीं आएगा, तो मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया है, आप इसको भी देख के कर सकते हो, क्योंकि इसमें फंड्स का यूज़ तो नहीं किया क्योंकि उस समय मेरे पास नहीं था, बट हाँ डिटेल्ड में मैंने पूरा समझाया है, आप लोग इजीली समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है बेबी लोन का 4 टास्क मिलेगा, और यहाँ पे एक एयरड्रॉप नहीं, 4 एयरड्रॉप आपको मिलेंगे, जैसे कि सॉल्व प्रोटोकॉल का एयरड्रॉप मिलेगा, चक्रा का मिलेगा, बेड रॉक का मिलेगा एंड ओपी स्टेक का मिलेगा। ये चारों के चारों टॉप क्लास के प्रोजेक्ट्स हैं, और आप लोगों को बेबी लोन का तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बेबी लोन बाइनांस में लिस्ट होने का 100% चांसेस है, क्योंकि जो भी स्टेकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि अल्फा होते हैं, तो उनका लिस्टिंग बाइनांस पे देखने को मिलता है। हमें ऑलरेडी लिस्टा का बाउंस बीट का जो एयरड्रॉप है मिला था, और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट्स हुए थे और बाइनांस में लिस्ट हुआ था। अगर बाइनांस में लिस्ट होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट मच बिगर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बेबी लोन का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ $50 एवरेज में लोगों को मिल सकता है, और मे बी यहाँ पे $40, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा भी मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिवार्ड पूल पहले से नहीं है, ओके। और बहुत कम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मतलब बहुत कम लोग। अब साइबर कनेक्ट का बात करता हूँ, साइबर कनेक्ट का जो एयरड्रॉप है आप लोगों को बड़ा तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि साइबर कनेक्ट का मैं मुझे पता है ये लोग ज़्यादा बड़ा एयरड्रॉप नहीं करते, ठीक है। $20 या फिर $30 का आपको यहाँ पे एयरड्रॉप मिल सकता है, और मे भी कम, यहाँ पे $10 से भी कम मिल सकता है, तो पहले से प्रिपेयर रहना, आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत करना, बट हाँ थोड़ा मोड़ा फी लग रहा है तो आपके पास अगर टाइम है तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के NFTs है, तो बाद में भाई कोई भी प्रोजेक्ट का अच्छा प्रॉफिट निकल के आ सकता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हो, क्योंकि ऑन चेन एक्टिविटी है। तो मैंने week 1 का ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, जितने भी NFTs है सारा बताया था, और आपको मैंने बताया भी था कि अगर आप अच्छे से अच्छा पोस्ट करते हो तो आपको रैंडमली 20 साइबर तक मिल सकता है, ओके। और जिसका प्रॉफिट आपको $200-$300 से ऊपर का हो सकता है, ओके, मतलब कि अच्छा से अच्छा अगर आप पोस्ट करते हो तो। अब यहाँ पे week 2 का टास्क आ चुका है, जहाँ पे कि वही क्रिएटिव वाला इधर भी है, तो आप यहाँ पे अपना पोस्ट कर सकते हो, और बाकी आपको NFTs मिंट करने पड़ेंगे, जैसे कि लॉन्च कास्टर करके है, उसके बाद यहाँ पे बाउंटी कास्टर करके है, उसके बाद ड्रैकुला ऐसे करके ड्रैकुला, ओके। उसके बाद इंटरफेस बाकी यहाँ पे देख सकते हो, इनमें ज़्यादा फी नहीं लगेगा, और मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता रखा है, तो आप कर सकते हो। बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि बहुत बड़ा एयरड्रॉप मिल जाएगा, ठीक है, आपको एवरेज में एयरड्रॉप यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। तो एक बार मैं एक मिंट करने का ट्राई करता हूँ, पिछले टाइम वर्क नहीं किया था, ठीक है। टॉपअप गैस फी, तो हमें पहले गैस फी साइबर में चाहिए होगा, तो उसका मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है सॉरी, तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे आकर के, ओके। वेट मैं दिखा देता हूँ कौन सा वीडियो है, ठीक है, आपको इधर ही दिख जाएगा, मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा, ठीक है, ये वाला देख सकते हो, 11 दिन पहले का वीडियो है, यहाँ पे मैंने बता रखा है ऑलरेडी कैसे ब्लीच वगैरह करना पड़ता है, ओके। तो ये एयरड्रॉप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी लाइव है, ओके। अब बात करते हैं अपन बाकी का, जो हमने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है स्टेरी निफ्ट का, तो इसका एयरड्रॉप हमने ऑलरेडी फार्म कर रखा है, ओके। किलो एक्स का जो कि अभी हम लोग कर ही रहे हैं, और रिवॉक्स जो कि मैंने बता दिया। फेवर का आप बात करते हैं, फेवर का जो एयरड्रॉप है आपको इसी मंथ देखने को मिल सकता है, और इनके प्लेटफॉर्म में अभी टास्क वगैरह चल रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता के रखा है कि आपको इनका प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद आपको ये सारा जो टास्क है करना पड़ेगा, तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं आपको अलग से लिंक दे दूंगा, ठीक है। फेवर का आपको मिल जाएगा, देख सकते हो, 8 दिन पहले का वीडियो है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता के रखा है कैसे ज्वाइन करना है, और आप लोगों को जो है ना बाकी के जो एयरड्रॉप का मतलब वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।
जो कि बाइनांस वेब थ्री वैलेट से लिंक करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने किलो एक्स का भी 2 दिन पहले वीडियो बना रखा है। ओके, तो फेवर का आप लोग अभी अपना एलोकेशन वगैरह चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर क्रोम पे आऊँ तो यहाँ पे आप फेयर ड्रॉप करके रख सकते हो। जैसे कि पिछले टाइम जो हमने एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था, जैसे कि मैं अपना मेन अकाउंट दिखाता हूँ एक्स वाई जेड क्रिप्टो करके। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हमने किया और हमें 44K टोकन्स मिलेंगे। एक टोकन का वैल्यू रहेगा $0.3 एवरेज में। ओके, अगर बाइनांस लिस्टिंग नहीं होता है तब, अगर बाइनांस लिस्टिंग होता है इनिशियल सप्लाई 1 बिलियन होगा और आपका जो मार्केट कैप है अगर 100 मिलियन से ऊपर होता है तो आपको प्राइस मिलेगा $0.1 अगर बाइनांस लिस्टिंग होता है तो। ओके, मैं सिंपली बता देता हूँ, इनका टोटल सप्लाई 10 बिलियन है। ओके, और इनका जो इनिशियल सप्लाई आएगा मार्केट में वो होगा 1 बिलियन समथिंग, मे बी उससे कम, लेकिन 1 बिलियन मैं लेके चल रहा हूँ ओके एवरेज में। तो अब यहाँ पे आप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हो। ओके, प्राइस जो है आपका मार्केट कैप के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, जो आपका मार्केट कैप है और सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस निकलता है। तो हम यहाँ पे प्राइस निकालते हैं। मान लो अगर बाइनांस लिस्टिंग होता है तो आपका जो मार्केट कैप है 300 मिलियन से लेकर के $200 मिलियन तक का निकल के आता है, ठीक है, कोई भी टोकन अगर बाइनांस में आता है तो। लेकिन बाइनांस लिस्टिंग का थोड़ा चांसेस कम है तो हम बाकी अगर एक्सचेंज में देखते हैं तो 30 मिलियन मार्केट कैप अगर आता है तो आप 30 मिलियन मार्केट कैप का $0.3 प्राइस निकल के आएगा। ओके, अगर यहाँ पे 300 मिलियन मार्केट कैप आता है तो $0.3 प्राइस निकल के आएगा। तो आप $0.3 मिनिमम लेके चल सकते हो और आप एवरेज में मैक्सिमम $0.3 लेके चल सकते हो। तो अब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। ओके, मैं कैलकुलेटर निकाल के दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं प्रॉफिट जानने के लिए। तो ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया। मान लो आपको 1000 टोकन मिला है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को 1000 टोकन मिल रखा है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 0.03 तो आपको मिलेंगे $30, जो कि 100% आपको मिलेगा। आप इजीली सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर बाइनांस पे लिस्ट होता है तो आप $0.3 मान के चल सकते हो तो आपको मिलेंगे $300 के प्रॉफिट्स। ओके, तो लेकिन मैं अगर एवरेज में भी लेके चलूँ, मान लो 100 मिलियन आ जाता है, अच्छे खासे एक्सचेंजेस में आते हैं और मार्केट अच्छा रहता है लिस्टिंग के टाइम, तो आपको एवरेज में $100 का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो आप मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखो कि $0.03 प्राइस निकल के आएंगे। तो आप कैलकुलेट कर लो आपने आपका प्रॉफिट कितना है और आपको आप जो है हमें बताओ कमेंट में कि आपके पास टोकन्स कितने हैं। ओके, तो ये था फेवर का अपडेट। आई होप कि आपको पसंद आया हो क्योंकि फेवर का आप लोग पूछ रहे थे। अब हम फाइनली बात करेंगे कैटीजन का। कैटीजन का मैं आपको दिखाता हूँ। कैटीजन को कोई भी मिस मत करना क्योंकि बाइनांस लिस्टिंग इनका कन्फर्म ही समझो, क्योंकि एक तो गेमिंग प्रोजेक्ट है और आपका इनका कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे देखो कैटीजन का मैं लिंक दे दूँगा। कैटीजन वालों ने ऑफिशियली बता रखा है इनका जो V-Kitty per second जो है वो मैटर करेगा एयरड्रॉप के लिए, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए आपको बता रखा है पिछले वीडियोस में और इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता दूंगा कि क्या क्या बेसिकली आप करके रखो ताकि आप अच्छा खासा एयरड्रॉप यहाँ से ले पाओ। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहला चीज़ जो कि मैटर करेगा वो है हमारा ये, ठीक है, इसको आप इंक्रीज़ करो, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग V-Kitty per second करके, यानी स्पीड पर सेकेंड इस तरीके से, ठीक है, पहला चीज़ ये मैटर करेगा। ओके, और लेवल आप अपना इंक्रीज़ करके रखना, तभी जाके ये बढ़ेगा और तभी जाके V-Kitty आप ऑन कर पाओगे। तो पहला चीज़ ये है उनके अकॉर्डिंग, यानी कैटीजन के अकॉर्डिंग पहला चीज़ समझ गए। दूसरा हमारा होगा फिश का कंजम्पशन। फिश कंजम्पशन यानी आप कितना फिश को लाइक यूज़ किए हो, ठीक है। जैसे कि हम लेवल अप करते हैं तो यहाँ पे हम फीड वगैरह जो देते हैं तो यहाँ पे हमारा फिश का यूज़ होता है, और हम फिशिंग करते हैं यहाँ पे हमारा फिश का यूज़ होता है। तो दूसरा चीज़ हमारा क्या है, फिश का कंजम्पशन, कि कितना फिश आप कंज्यूम करते हो और उसको यूज़ करते हो, राइट। अब तीसरा चीज़ आता है ऑन चेन एक्टिविटी। ऑन चेन एक्टिविटी के लिए आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि आप ये सारा जो टास्क है कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे चेक इन करके टास्क आएगा, जैसे क्लेम पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इनका वैलेट यानी टोन वैलेट के थ्रू आपको जो है ट्रांजेक्शन करना है, जो कि बहुत कम फी लगेगा आपको, तो डेली का आपको करते रहना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, अब बाकी चीज़ भी मैटर करेगा, जैसे कैट का लेबल। और माइन वाले पे आओगे तो माइन वाले पे जो हमारे एसेट्स है, जैसे कि V-Kitty, फिश कॉइंस, WKT XZ, ये सारा मिला के आपका जो एयरड्रॉप है डिसाइड होगा। अब आप सब चीज़ अगर मीट करते हो देन आपको एक अच्छा एलोकेशन मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं अर्न वाले पे जाऊँ तो मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ अचीवमेंट वाले पे। तो अचीवमेंट वाले पे अगर आप आओगे तो फिश कंजम्पशन करके यहाँ पे देखो इन्होंने टास्क ही ला के दिया है, तो यहाँ पे आप जितना फिश कंजम्पशन करोगे उसके बेस्ड अपन आपको एक्स्ट्रा फिश भी मिलेगा। उसके बाद अगर ऊपर आओगे तो V-Kitty पर सेकंड का भी इनका टास्क है, जहाँ पे कि आपके V-Kitty पर सेकंड के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डेली चेक इन करके भी है यहाँ पे, जो कि ऑन चेन एक्टिविटी को दर्शाता है, तो यहाँ पे आप चेक इन वगैरह कर सकते हो, बहुत कम फी में चेक इन हो जाएगा।
और सबसे इम्पॉर्टेंट वैलेट कनेक्ट करके रखना, तभी जाके एयरड्रॉप आपको रिसीव होंगे। तो ये सारा चीज़ मैटर करेगा एयरड्रॉप के लिए। अब इनका OKX वाला एक टास्क आया है जहाँ पे कि आपको 100 कैटी मिलेंगे, ठीक है, 100 कैन विन 100 कैटी, ठीक है। तो 100 कैटी टोकन आपको मिलेंगे, एक कैटी टोकन का $0.5 में भी प्राइस हो सकता है। अभी इनका अगर प्री मार्केट का प्राइस दिखाऊं तो मैं सिंपल सा चलता हूं बाईबिट में, आई थिंक बाईबिट में इनका प्री मार्केट होगा, तो मैं यहीं से आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो बाईबिट का प्री मार्केट ट्रेडिंग, ओके, देख सकते हो कैटीजन यहां पे। तो अभी प्री मार्केट में जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो था $0.75, ओके। अगर हम यहाँ पर देखें तो लोग यहाँ पर बाई सेल कर रहे हैं, देख सकते हो 5,000 कैटी $0.74, यानी अगर मान लो प्री मार्केट में इतना प्राइस है तो इनका जो प्राइस आएगा $0.5 समथिंग आ सकता है, ठीक है। तो प्री मार्केट में अभी कैटीजन का प्राइस इतना चल रहा है, तो कैटीजन को आप हल्के में मत लेना क्योंकि अच्छा खासा आपको एयरड्रॉप कर सकता है। अब तो बाइनांस वाले भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैटीजन का मैंने जो जो बताया सारे को फॉलो करते हो तो एयरड्रॉप आपको अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो अब मुझे और रिपीट नहीं करना है, आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि तीन चीज़ क्या क्या मैटर करेगा, ठीक है। और ये तीन चीज़ आप ग्रांटेड ले लो, और बाकी जो माइन कर रहे हो आप माइन वाले सेक्शन में जो एसेट्स है, जैसे कि WKT आपके पास कितना फीस रहेगा, और ये भी शायद आएगा कन्वर्ट रेशियो में, यानी कन्वर्जन में, ओके। तो ये था आपका ओवरऑल वीडियो अबाउट कैटीजन एंड बाकी के जो एयरड्रॉप के अपडेट्स है, और सभी कुछ मैंने आपको बता दिया फेवर वगैरह। तो ये जस्ट ऐसे ही मैं आपको अपडेट के लिए वीडियो बना दिया, बाकी जो मेन हमारा एयरड्रॉप होगा जो कि मूवमेंट का होगा, जो कि मैं वीडियो अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मे बी कल तक या फिर उसके बाद आपको मिलने, क्योंकि मूवमेंट को आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है क्योंकि हार्ड है, नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, बैक्ड बाय बाइनांस पॉलीचेन कैपिटल 40 मिलियन+ इन्होंने रेज कर लिया है। इनका जो टेस्टनेट है इंसेंटिवाइज है, यानी आप अगर करोगे तो आपको एयरड्रॉप कन्फर्म्ड मिलेगा। तो यार टेलीग्राम पे एक्टिव रहो क्योंकि आपके लिए हम अच्छे से अच्छा एयरड्रॉप देने का ट्राई कर रहे हैं, एंड प्रॉफिट डेफिनेटली आपको हर एक एयरड्रॉप से होगा। आई नो कि अभी थोड़ा सा मार्केट कंडीशन अच्छा नहीं है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, बट जब मार्केट कंडीशन अच्छा रहेगा तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा।